पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टोनी डॉक्टर डूम से मिलता है, जहां वो उसे वॉन्ड ऑफ वटून देता है। फिर बिटनी की और आयरन मैन की फाइट होती है, जहां से बिटनी कहीं टेलीपोर्ट हो जाती है। अब आगे आगे का सीन MIT से स्टार्ट होता है, जहां डॉक्टर अमारा काम करती है और वो कुछ पेपर्स को लेके अपने रूम में जाती है। लेकिन वो अपने रूम में टोनी को देख के डर जाती है और उसे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टोनी स्टार कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम बिजी तो नहीं हो? तो डॉक्टर अमारा टोनी को परेशान देख के वहीं पर रुक जाती है और उससे बात करने लगती है। टोनी स्टार उसको बिटनी के साथ हुई फाइट का बताता है और ये भी बताता है कि उसे तुम्हारी याद आ रही थी, तो वो उससे मिलने आ गया, जिसपे डॉक्टर अमारा टोनी को किस करती है। तभी फ्राइडे का कॉल आता है, वो टोनी को बताती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आपके लिए कॉल पे हैं। तो टोनी कहता है, अरे यार अभी कॉल आना रह गया था। फिर टोनी डॉक्टर मारा को गुड बाय किस करके वहां से चला जाता है। टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटम सेंटोरम में पहुंच जाता है और उसे बताता है कि डॉक्टर डूम पहले से हैंडसम हो गया है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि वो खुद को ऐसा दिखाने के लिए कॉस्मेटिक स्पेल कास्ट का यूज कर रहा है। फिर टोनी कहता है कि मुझे उसे ढूंढना है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो मुझसे भी बहुत पावरफुल हो गया है, अगर मैंने उसको ढूंढ भी लिया तो उसको पता चल जाएगा कि तुम वहां आ रहे हो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस छड़ी को देख के कहते हैं, इसमें और डॉक्टर रूम में जो बदलाव आ रहे हैं वो हम सबके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जिस पर टोनी कहता है, बिटनी फ्रॉस्ट भी ऐसी चीजें ढूंढ रही हैं जो इस छड़ी से बहुत पावरफुल हो या इसके ही इक्वल पावर रखती हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि क्वेश्चन ये है कि उसको इन सबके बारे में पता कैसे चला और उसका प्लान क्या है। तभी वहां पे एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देख के टोनी पूछता है कि ये क्या है। जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि ये बिटनी फ्रॉस्ट है और ये अपनी पावर से एनर्जी को खींचने का प्रयास कर रही है। तो टोनी पूछता है कि क्या आप पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि वो कैलिफोर्निया में है और अब वो इसको बंद करने की कोशिश कर रही है। तो टोनी पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं यहाँ से तुम पर नजर रखूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पे टोनी अपना हाथ उठा के हाईफाई के अंदाज में उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन टोनी फिर भी उसी पोजीशन में खड़ा रहता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को मजबूरन ही हाईफाई करना पड़ता है और वो टोनी से कहते हैं कि टोनी मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगले सीन में टोनी बिटनी के घर पहुंच जाता है और फ्राइडे को स्कैन करने के लिए कहता है और उसको वहां पर एक टेप रिकॉर्डर रखा मिलता है, जिसके पास एक पेपर में लिखा होता है प्ले मी। तो टोनी उस रिकॉर्डर को ऑन करता है, उस रिकॉर्डर से आवाज आती है कि मैं बिटनी फ्रॉस्ट हूँ, लास्ट नाइट के अटैक के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन तुम्हें पता ही है मुझे इंपल्स कंट्रोल का प्रॉब्लम है, मुझे दूसरे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर भी ढूंढ रहे हैं, मुझे पता है कि तुम ये जानना चाह रहे हो कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ और आगे क्या करने वाली हूँ, लेकिन तुम ये भी सोचो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम पूरी दुनिया को मुझसे बचाना चाहते हो, लेकिन तुम दोबारा मेरे सामने मत आना, मैं तुमसे एक स्टेप आगे ही रहती हूँ और ऐसा नहीं है कि तुम अकेले ही हो जो मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे और भी कई लोग ढूंढ रहे हैं और अभी तक वो लोग यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे और वो लोग तुम्हें मार देंगे। तभी आयरन मैन बिटनी फ्रॉस्ट के बनाए हुए उस जाल में फंस जाता है और तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो टोनी पे अटैक करने लगते हैं। तो आयरन मैन फ्राइडे से पूछता है कि सब लोग कौन है। तो फ्राइडे बताती है कि एडवांस रोबोटिक निंजा है, जिनके बारे में मैं भी पूरी डिटेल नहीं जान पा रही हूँ। तो टोनी कहता है कि इतनी नॉलेज काफी है और वो उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर आयरन मैन अपने सूट को निंजा मोड में चेंज करते हुए उन पे अटैक करने लगता है। वो उन सबसे लड़ते हुए कहता है कि तुम भी बिटनी फ्रॉस्ट को ढूंढ रहे हो और मैं भी, तो हम सब आपस में बात क्यों ना कर लें। लेकिन वो निंजा उस पे अटैक करते रहते हैं, जिस पे फ्राइडे कहती है कि टोनी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो टोनी कहता है कि नहीं, मुझे जानना है कि लोग कौन है, और वो फाइनल अटैक करके उन सबको हरा देता है। फिर टोनी उनमें से एक निंजा का मास्क निकालता है और उसे स्कैन करने लगता है। तभी फ्राइडे बताती है कि इनमें से कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। तो टोनी पीछे हट जाता है और तभी सभी निंजास की बॉडी जल जाती है। अब टोनी अपने घर आ गया है, जहां वो निंजास के साथ की गई फाइट का होलोग्राम देख रहा है। तो फ्राइडे बताती है कि कुछ दिन पहले जापान के स्टार्क टावर पर अटैक हुआ था, तो अभी वहां के एम्प्लॉय ने रिपोर्ट किया है। तो टोनी कहता है कि कुछ दिन पहले अटैक हुआ और ये बात मुझे अब पता चल रही है, और ये बिटनी फ्रॉस्ट जाने कहां छुप गई है, मैं तो उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा हूं। फ्राइडे बताती है कि अभी आपको बीमार बच्चों से मिलने जाना है। तो टोनी कहता है कि वो कैंसिल कर दो, मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है। तो फ्राइडे उसे कहती है कि कैंसिल नहीं हो सकता। तो टोनी कहता है ओके ओके, मैं मिलने जा रहा हूँ, और वो बच्चों से मिलने हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अगले सीन में एक बच्चा टोनी से पूछता है वो कहाँ है। तो टोनी कहता है कि कौन कहाँ है। वो बच्चा बताता है कि आपका आर्मर
टोनी समझ जाता है कि वो बच्चे टोनी को नहीं बल्कि उसके आयरन मैन को ढूंढ रहे थे। फिर टोनी बोलता है कि मेरा आर्मर तो नहीं है लेकिन मैं बहुत सारे आर्मर को लाया हूँ। और वहाँ पे टोनी के सभी आर्मर्स आ जाते हैं और बच्चे उन आर्मर्स के साथ खेलने लगते हैं। तभी फ्राइडे की आवाज़ आती है कि डॉक्टर डूम आपके पीछे हैं। टोनी फ्राइडे से पूछता है कि डॉक्टर डूम यहाँ आ गए और हमें पता भी नहीं चला। तो फ्राइडे बताती है कि डॉक्टर डूम कुछ मैजिकल पावर्स यूज़ कर रहे हैं जिसे हमारा सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर सकता। फिर टोनी डूम से कहता है कि तुम मुझे छत पर मिलो। और छत पर टोनी डॉक्टर डूम से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। और सीन चेंज होता है शिकागो के क्लब की तरफ जहाँ मेरी जेन कोई कॉन्सर्ट कर रही है। यह वही मेरी जेन है जो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड होती है और वो उन सबको बताती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि न्यूयॉर्क का मेरा क्लब डॉक्टर डूम और अवेंजर्स की लड़ाई में बर्बाद हो गया था और यहाँ पे कोई भी अवेंजर्स और डॉक्टर डूम वगैरह नहीं है। तभी उसी क्लब में बिटनी फ्रॉस्ट किसी आदमी के पास मिलने जाती है। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मुझसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन बिटनी बिना कुछ बोले उस पर सीधे अटैक कर देती है और तभी वह डॉक्टर डूम और आयरन मैन आ जाते हैं। और यहीं पे हमारा आज का भी एपिसोड खत्म हो जाता है।